में हम कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने लेसन 6 में ऊतक के बारे में पढ़ा था। ऊतक किसे कहते हैं, ऊतक के प्रकार और संयोजी के स्थायी ऊतक, विभाजी ऊतक, ऊतक इन सब के बारे में पढ़ा था। तो आज का क्वेश्चन पहला है कि ऊतक किसे कहते हैं और ऊतक के प्रकारों को समझाइए। आज की क्लास का टॉपिक है, पहला टॉपिक रन या स्टोमेटा। प्रत्येक पत्तियों यानी पेड़ पौधों की जो पत्तियों होती है बच्चों, प्रत्येक पत्तियों की निचली सतह पर और कुछ पौधों की ऊपरी सतह में भी, ठीक है, लेकिन अधिकतर पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर लाखों की संख्या में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों को हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। यह रंध्र और स्टोमेटा पौधों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसके द्वारा, इस रंध्र के द्वारा पौधे वायुमंडल की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। देखो बच्चों, जैसे हमें श्वसन के लिए नाक की आवश्यकता होती है, हम नाक से ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार पौधों में गैसीय आदान प्रदान के लिए, गैसीय आदान प्रदान के लिए रंध्र या स्टोमेटा पाए जाते हैं। इसी स्टोमेटा के कारण पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर ग्रहण करते हैं और अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनी ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि पौधों में गैसी आदान प्रदान किस अंग के द्वारा होता है, तो आप बताएंगे कि पौधों में गैसी आदान प्रदान पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र या रंध्र स्टोमेटा के द्वारा होता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट काम करता है रंध्र, पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया का कार्य भी करता है। किसे कहते हैं वाष्प उत्सर्जन, पौधों के अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलने की क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। पौधे जड़ों से पानी अवशोषित करते हैं, वो पानी पत्तियों तक पहुंचती है और लगातार इस रंध्र के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा पौधे का अतिरिक्त पानी, एक्स्ट्रा वाटर वाष्प के रूप में शरीर के बाहर निकलता है, इसे हम वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। और रंध्र जो है वाष्प उत्सर्जन में भी मदद करता है। तो इस प्रकार रंध्र के दो काम हो गए, गैसीय आदान प्रदान करना और वाष्प उत्सर्जन का कार्य करना। पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं बच्चों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं, तो आप बताएंगे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। और कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, तो पौधे ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक अपन देखेंगे बेटा, हम देखेंगे सेकंड टॉपिक है रंध्र की संरचना, स्टोमेटा की संरचना कैसी होती है। पत्तियों की निचली सतह में लाखों की संख्या में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी में देखने पर रंध्र इस टाइप के दिखाई देते हैं, जिसका डायग्राम मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। इसमें ये जो सेम के बीच की दाने की आकृति की संरचना दिखाई दे रही है अर्धचंद्रका, इसको हम कहते हैं रक्षक कोशिका या गार्ड सेल्स। बीच में ये जो छिद्र है यही छिद्र कहलाता है रंध्र या स्टोमेटा, और बाहर ये जो कोशिका है इसे कहते हैं हम सहायक कोशिका। तो पत्तियों की निचली सतह पर फूल की आकृति भी दिखाई देते हैं रंध्र। रंध्र में बीच में छिद्र होता है, इसको हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इसी छिद्र से गैसों का आदान प्रदान होता है और वाष्प के रूप में पानी बाहर निकलता है। इसके चारों ओर जैसे सेम के बीच की आकृति की कोशिका होती है, इसे रक्षक कोशिका
कहते हैं। बच्चों यही रक्षक कोशिका फैलती और सिकुड़ती है। जब ये फैलती है तो छिद्र खुल जाता है, जब ये सिकुड़ती है तो रंध्र बंद हो जाता है। तो दिन के समय रक्षक कोशिकाएं फैली रहती हैं जिससे छिद्र खुले रहते हैं, रात्रि के समय रक्षक कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। चारों तरफ की जो कोशिकाएं होती हैं ये जल के द्वारा रंध्र को खोलने और बंद करने में मदद करती है। रक्षक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है और इसमें हरे रंग का वर्ण जिसको हम क्या कहते हैं हरित लवक, हरित लवक भी पाया जाता है। हरित लवक के कारण ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो ये था रंध्र की संरचना। अब अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। बहुत छोटी क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। हम सभी जानते हैं कि पौधे स्ट्रोपोसी होते हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो किस विधि द्वारा बनाते हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इसके पौधों के अलावा अन्य जीव जैसे हम या जानवर अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि पौधों में हरे रंग का रंग कण हरित लवक पाया जाता है। ये हरित लवक सूर्य प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर भोजन का निर्माण करता है। अन्य जीवों में हरित लवक नहीं पाया जाता, इसलिए अन्य जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते। अब हम परिभाषा जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आप बताएंगे क्लोरोफिल युक्त हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अवशोषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में C6H12O6 के रूप में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर से बता रहा हूँ क्लोरोफिल युक्त हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल यानी हरित लवक की उपस्थिति में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अवशोषित करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, इसे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इसका हम समीकरण देखेंगे बच्चों। समीकरण में आप लिखेंगे 6CO2 6 कार्बन डाइऑक्साइड के प्लस 6H2O जल का पौधे ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और हरित लवक की उपस्थिति और इसके बाद में यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूं क्या बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट। C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन गैस बाहर निकल, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है और ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, इस रूप में अपना भोजन स्वयं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है जंतु ऊतक। जंतु नाम से मालूम है, मैं पिछली क्लास में हमने पादप ऊतक पढ़ा है। पौधों में पाए जाने वाले कोशिकाओं के समूह को हम पादप ऊतक कहते हैं, तो उसी तरह हम जंतु ऊतक का भी लिख सकते हैं। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाली कोशिकाओं के समूह को हम जंतु ऊतक कहते हैं, क्योंकि ये जंतुओं के अंगों और शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें हम जंतु ऊतक कहते हैं। जंतु ऊतक पादप ऊतक से अलग होते हैं क्योंकि जंतु ऊतक की संरचना, उनका कार्य, उनका आकार अलग होता है। पादप कोशिकाओं की संरचना, उनका आकार और उनका कार्य अलग होता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, हम पढ़ेंगे आगे प्रकार, जंतु ऊतक के प्रकार। जंतु ऊतक प्रमुख चार प्रकार के होते हैं।
पहला है एपिथेलियम हो जाता है, दूसरा है संयोजी होता है, तीसरा है पेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिकी ऊतक या तंत्रिका ऊतक। तो जंतु तक कितने प्रकार के पाए जाते हैं बच्चों? चार प्रकार के। इसके पहले हमने पढ़ा था पादप ऊतक। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा था पादप ऊतक में जाइलम और फ्लोएम, तो आप लोगों को इसका उत्तर लिखना है कि जाइलम और फ्लोएम के क्या काम है। यहां पर पढ़ रहे हैं ऊतक के प्रकार, कितने प्रकार के होता है? चार, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक या तंत्रिकी ऊतक। आज की क्लास में हम इस चीज के ऊतक के टॉपिक को पढ़ेंगे और बाकी तीन ऊतक को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो अब है पहला एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक बहुत ही सरल ऊतक होता है, ठीक, और ये किसी भी जीव के शरीर और अंगों के बाहरी परत में पाया जाता है, यानी ये हमारे शरीर के अंगों को, ऊतकों को और आंतरिक अंगों के बाहरी परत को कवर करता है, ढकने का काम करता है और शरीर के अंगों को अलग अलग करता है, यानी हमारे श्वसन नाल में, फेफड़े में, गुर्दे में, किडनी में, हर जगह जो बाहरी परत पाई जाती है वो एपिथेलियम ऊतक की होती है। ये एक सरल ऊतक होती है, ये रक्षात्मक आवरण या कवच बनाने का काम भी करती है। तो इस प्रकार के ऊतक को हम कहते हैं एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक बच्चों प्रमुख चार प्रकार के होते हैं। एपिथेलियम ऊतक प्रमुख चार प्रकार का होता है। पहला है सल्की ऊतक, पहला सल्की एपिथेलियम ऊतक, दूसरा घनाकार एपिथेलियम ऊतक, तीसरा स्तरित सल्की स्तरित सल्की ऊतक और चौथा है पक्षमाभी या पक्षमा। तो एपिथेलियम ऊतक कितने प्रकार का होगा बच्चों? चार प्रकार के, सल्की, घनाकार, स्तरी और पक्षमाभी एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक का काम क्या है? ये हमारे अंगों में या शरीर में रक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करता है। हमारी जो त्वचा है बच्चों, चमड़ी, वो एपिथेलियम ऊतक की बनी है। इसके अलावा हमारी आहार नाल, हृदय, फेफड़ा, किडनी, गुर्दा, सबकी बाहरी परत एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है। तो इस तरह से आज का आपका क्लास कंप्लीट हुई। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपको बताना है कि रंध्र के क्या कार्य हैं। सेकंड क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग होता है। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है। और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं क्यों, जबकि जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में अपना नाम करेंगे। थैंक यू।